वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत ही मज़ेदार और धुएंधार तरीका से देखेंगे, बहुत ही मतलब मज़ेदार ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर आसान हो तो क्या मज़ा है उसको बनाने में यार, थोड़ा सा टफ होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मजा आना चाहिए। अब आपको 2+2 दे दिए तो ढाई दे दो जोड़ के बता दीजिएगा कि 4 होता है। थोड़ा सा मज़ेदार होना चाहिए तो थोड़ा सा मज़ा लेके भी बनाया जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वैसे ये लिखा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमानस एज इन ईयर, यानी साल में 3 वर्ष एगो ये वाला, और यहाँ पे बोला है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ध्यान से समझिए, कह रहा है रहमान एक लड़का है। ठीक है, उसका उम्र मान लीजिए कि अभी जितना भी हो, अभी मान लीजिए कुछ देर के लिए, यहाँ पे तो बोला है कि अभी से 3 साल पहले, अभी जितना भी उसका उम्र है उससे 3 साल पहले, और फिर दूसरा बोल रहा है कि अभी से फिर 5 साल पहले, दुगो उम्र हुआ। कैसे, मान लीजिए कि एक लड़का रहमान है, उसका 5 साल अभी उम्र है, अभी हाल ही फिलहाल में प्रेजेंट में अभी का उम्र कितना है, यानी प्रेजेंट का एज है 5 साल का एक लड़का रहमान है, 3 साल पहले कितना होगा, तो इसमें से 3 घटा दीजिएगा, और वही बोलेंगे कि अभी से 5 साल बाद कितना होगा, तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिएगा। आज मान लीजिए कि लड़का का उम्र 5 साल है, अब 5 बरस बाद वो कितना का हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 5, तो ये 10 बरस का, अभी लड़का 5 साल का है और 3 साल पहले वो कितना होगा, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साल का। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, कि जो रहमान है, रहमान का उम्र 3 साल पहले का, मान लीजिए कि रहमान का उम्र आपको पता है, अभी हम तो अपने से 5 माने हैं ना, कुछ देर के लिए मान लीजिए रहमान 5 नहीं 1 साल का है, कितने साल का है, 1 साल का है, तो 3 बरस पहले उसका उम्र इतना होगा। ठीक है, 5 बरस बाद, तो अभी की उम्र में 5 बरस बाद 5 जोड़ दीजिए, और देखिए 3 बरस बाद उम्र का उल्टा व्युत्क्रम बोल रहा है। व्युत्क्रम कैसे कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप 20 बरस के हैं, या फिर मान लीजिए आप 15 बरस के हैं, अब बोलेंगे अपने उम्र का उल्टा बताइए, व्युत्क्रम बताइए, रिसिप्रोकल बताइए, तो क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा 1/15, ये उल्टा हो गया, पलट दिए। कैसे पलट दिए, नीचे एक, हर नंबर के नीचे एक छिपा रहता है, इसको हम पलट देंगे तो 1 चला गया ऊपर, 15 आ जाएगा नीचे, तो वही बोला है कि 3 बरस पहले और 5 बरस बाद का उल्टा कीजिए, और उल्टा करके जोड़िए तो क्या मिलता है, सम कीजिए तो 1/3 मिलता है। समझ में आया, यानी उल्टा करके फिर उसको सम कीजिए, सम माने होता है जोड़ना, यहाँ उल्टा करके सम कीजिएगा तो कितना मिलता है, 1/3। तो इसको उल्टा कैसे कीजिएगा, इसके नीचे 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, और जोड़िए 1 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 1/3। वही बोल रहा था, उल्टा करके जोड़े तो क्या है, 1/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर जो भी होता है वो कहता है कि बाबू ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा भाषा वाषा नौटंकी करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले लिखेंगे, माना कि इसका उम्र 1, 3 साल पहले x-3, 5 साल बाद x+5, बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, पहले बोलेगा तो घटाएंगे, तो वही चीज यहां नौटंकी करना पड़ेगा। कैसे, तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु, अभी का आयु क्या मानना पड़ेगा, x, 3 साल पहले वो बेचारा कितना का होगा, 3 वर्ष पूर्व, एगो मतलब होता है पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा, x-3, ये ऐसे खींच दे रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ रहमान की आयु आप लिख लीजिएगा। वैसे ही 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो x+5, अभी की उम्र में 5 वर्ष छोड़ दें, फिर लिखें यहाँ पे प्रश्न से में क्या होगा, और फिर प्रश्न पढ़े हैं वही, आप बोले हैं कि इसको उल्टा कीजिए, व्युत्क्रम कीजिए, और फिर जुड़िए तो क्या मिलता है, 1/3 मिलता है। हो गया, अब दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, हमने तो लैंग्वेज लिख दिया, नौटंकी तो कर दिया, अब इसको सॉल्व करें हम, बट्टा का जोड़ जैसा है इसका एलसीएम ले लें हम लोग, तो x-3 और ये x+5। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम, जब एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो वही चीज़ उतार देते हैं, जब इसमें इससे भाग दिया जाएगा तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा x+5। ठीक है, अब प्लस, जब इससे इससे भाग दीजिएगा तो ये सेम है तो ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा ये बेचारा, ये भी देखो 1/3 हो गया। ठीक है, इतना समझ आया, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं x
एक एक्स आई एक एक्स, कितना एक्स, दो एक्स। अब पाँच ब्रैकेट हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि प्लस है बीच में, पाँच में से तीन जाएगा तो प्लस में दो। अब बट्टा ये भी गुणा कर दीजिए। बताए एक रूल जान लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर यानी जो कोष्ट है, कोष्ट के बाहर जो भी नंबर होता है सब में गुणा होता है, तो x में दोनों से गुणा कीजिए, फिर 3 में दोनों से गुणा कीजिए। तो कीजिए तो यहाँ पे x में x से तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x में 5 से तो हो जाएगा 5x, फिर माइनस 3 में x से तो माइनस 3x, और माइनस 3 में 5 से तो 5 3 5 15 हो जाएगा। अब बराबर में इधर 1/3 बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, जब भी बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, ये एक याद रखिए हमेशा के लिए, बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, तीन में दोनों से गुणा कीजिए, तीन में दो से तो तीन दूना छ एक्स, अब प्लस तीन में दो से तो तीन दूना छ इज इक्वल टू, एक में कीजिएगा इस सब से तो कोनो फर्क पड़ेगा, एक तो बेचारा अपने शरीफ नंबर है, गुड़ा करने से कोनो फायदा नहीं होता है, ठीक है। एक बोलता है कि भाई हमरा तो कोनो औकात है नहीं, तुम ही लोग रहो, एक में सब में गुणा करोगे यही नंबर रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस, अच्छा यहाँ देखिए तो ये दोनों एक जात का है, तो पाँच एक्स में से तीन एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, पाँच में से तीन जाएगा तो बचेगा आपका दो एक्स, और माइनस में हो गया 15, ठीक है ये लिख दिए। अब बताइए इस सब को इधर कीजिए, हमको क्या करना है, इस पढ़ करके एगो समीकरण बना लेना है और वही द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर ला लेना है। तो ये दोनों को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 6x, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 6, कुछ नहीं तो इधर क्या लिख दें, 0, इधर वाला दोनों इधर चला गया, एक्स स्क्वायर 6x में से जब 2x जाएगा तो कितना x बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस में 4x, आइए 15 और 6 कितना होगा, तो 15 और 6 21 होगा, कितना होगा 21, तो ये माइनस में हो जाएगा 21। इधर 0 नहीं डाले, अच्छा नहीं लग रहा है, खूबसूरती बढ़ाना है तो इधर डाल दीजिए। अब बताइए ये बन सकता है, आप चाहे तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा के बना लीजिए और नहीं तो फर्स्ट इंटू लास्ट से तोड़ लीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि द्विघात जब ऐसे हो तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला कैसे लगता है, याद है ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, निकाल सकते हैं। अब ये सोचिएगा सर आप कभी कभी यहाँ पे डी भी लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हटा करके डी, अरे यार तो डी बराबर ही तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके जगह पर ये भरो चाहे इसके जगह पर ये भरो, बात दोनों सेम है, ठीक है, ये पहले निकाल के भरिए चाहे ऐसे, दोनों बात सेम है। हम इसको फॉर्मूला पे नहीं बना रहे, एक काम करते हैं हम इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे बना रहे हैं। देखिए बीच वाले को दो हिस्सा तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लिखें 7x प्लस 7 * 21, देखिए तो अब माइनस में फिर ये उतारे, देखिए हम क्या किए हैं, इसको वैसे ही उतार दिए, इसको भी वैसे ही उतार दिए, और चार को तोड़े हैं दो हिस्सा में, देखिए माइनस में 7 में से 3 को जाएगा तो 4 को बच जाएगा, और 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों में कुछ एक जैसा मिल रहा है तो कॉमन ले लो, 4 को हिस्सा है तो यहाँ पे इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स बाहर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7, ये देखिए ये प्लस में अगर 3 लीजिएगा तो एक्स माइनस, देखिए जब 3 दोनों में से बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा एक्स, अब 3 का पहाड़ा कबर में आएगा 21, 3 * 7 = 21 बराबर में 0। फर्स्ट इंटू लास्ट का एक रूल है कि अंदर वाला अगर आ जाए दोनों सेम तो सही हो जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ही नहीं है। एगो बाहर वाला लिखिए एक्स प्लस 3, एक अंदर वाले के एक्स माइनस 7 बराबर में 0। एक काम करते हैं एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस में आने जाएगा तो माइनस में 3, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक्स माइनस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब एक चीज़ दोनों में, दोनों तो एक्स का वैल्यू है ना, और एक्स क्या माने हैं, रहमान की वर्तमान आयु एक्स माने हैं, तो बताइए एक्स रहमान की आयु x माने है तो वो बेचारा माइनस 3 बरस का है कि 7 बरस का है,
तो एक चीज़ याद रखिएगा, उम्र कभी माइनस में नहीं होता है। देखिए कोई लड़का जब जन्म लेता है तो एक महीना दो महीना ऐसे ही ना मतलब उम्र बढ़ते रहता है, अब बताइए माइनस में कभी उम्र होगा? यानी पैदा होने से पहले नाम उसका कैसे रख सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये हो ही नहीं सकता है। कभी भी उम्र माइनस में नहीं होता है, कभी भी हाइट माइनस में नहीं होता है। किसी का हाइट नीचे से थोड़े बढ़ता है यार, कभी ऊपर ही बढ़ता है, पॉजिटिव बढ़ता है, प्लस में बढ़ता है। तो ना हाइट माइनस में होता है, ना किसी का उम्र माइनस में होता है। इसीलिए एक्स बराबर ही क्या हो जाएगा? 7। यानी कि रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा आपका। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।